जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब भी उनकी पेट्रोल वगैरह आती है उस एरिया में, तो हमारे लोग भी अपने एरिया में मुस्तैद रहते हैं। इस याक का नाम कालू है। हम अभी चीन की सीमा के साथ लगने वाली LAC के बिल्कुल नज़दीक हैं। हमने आपकी डिप्लॉयमेंट देखी काफ़ी आगे फॉरवर्ड पोस्ट तक, तो कैसे आप ITBP कैसे इंश्योर करती है कि किसी प्रकार की चाइनीज़ ट्रांसग्रेशन या इनकर्जन इस एरिया में ना होनी दी जाए? आपने ये देखा होगा कि हम उस एरिया में एकदम बहुत नज़दीक तक डिप्लॉयड हैं और हमारे जो ट्रुप्स हैं वो लगातार 24/7 जो है अपने जो बॉर्डर हैं या लाइकली उनके एक्सिस हैं जहाँ से वो आने की संभावनाएं रहती है पासेस पे, उन सब पे लगातार भागों में वहाँ पे हमारी वो ऑब्जर्वेशन में है वो सारी लोकेशंस वगैरह। और जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब भी उनकी पेट्रोल वगैरह आती है उस एरिया में, तो हमारे लोग भी अपने एरिया में मुस्तैद रहते हैं और ऐसा कोई भी इंसिडेंट ना हो, इसके लिए हमारी जो भी अपनी पूरी तैयारी है और जो ड्रिल है उस ड्रिल को हम पूरी अच्छी तरह से फॉलो करते हैं और इस तरह की चीज़ों को हर संभव हम लोग रोकने की लगातार कोशिश करते हैं। और ऐसा अभी इस तरह की चीज़ें अभी फ़िलहाल इस क्षेत्र में नहीं देखी गई हैं। लद्दाख की घटनाओं के बाद हमारा जो तैयारी का लेवल है, हमारे जो अलर्टनेस के लेवल है, काफ़ी ऊँचे हैं? अलर्टनेस की तैयारी तो हमारी लगातार एक जो हाईएस्ट लेवल की होती है वो तो लगातार रहती ही रहती है हमारी, लेकिन इस तरह के जब इंसिडेंट होते हैं तो निश्चित रूप से आपको और ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है ताकि कोई भी ऐसी जिसकी आपने सोचा नहीं हो और उस तरह की चीज़ें हो जाएं, तो उस सिचुएशन के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ता है। हमें तो हमने उसी तरह से तैयारी कर रखी है कि इस तरह की कोई भी अनफोर्सिन इंसिडेंट ना हो जाए या इस तरह की चीज़ें ना हो जिसमें हम सरप्राइज हो जाएँ। तो अलर्टनेस लेवल पहले भी हाई थी, अभी भी हमने बहुत ही हाई लेवल पर ही रखा हुआ है, जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्दियाँ काफ़ी हैं और जो ड्यूटियाँ करना जो है उसके लिए थोड़ी सी और ज़्यादा साहस और बहादुरी और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे जवान आपने देखा होगा चाक चौबंद और बहुत ही अलर्ट है और इस तरह कोई इंसिडेंट नहीं हो रही है। कमांडेंट साहब, आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी तैयारियाँ हैं तवांग के सेक्टर में चीन के बॉर्डर पर, यहाँ हमें किसी भी प्रकार से कोई सरप्राइज नहीं कर सकता? कोई नहीं, और ये तो एक हम लोगों का आश्वासन है ना देश को कि मातृभूमि और पे मतलब किसी भी तरह की आंच नहीं आने देनी है। कालू है, इससे हम फॉरवर्ड पोस्ट के लिए सप्लाई करते हैं, जो हमारे लिए ये एक रामबाण की तरह काम करता है। 90 किलो वेट लेकर के खड़ी पहाड़ी में चढ़ जाता है और ये इसकी हम देखभाल और सारी हम करते हैं।